जिनकी मिठाई तो पूरी दुनिया में खाई जाती है, वो बैठे हमारी बिमला बहन जो पूर्व में हमारी विधायक हैं, बहुत ही सरल है। मेरे परिवार के बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस कार्यक्रम में आया उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सीकरी जी ने तो कहा, जब मैंने कहा जी मैं सागर में हूं, मध्य प्रदेश में मेरी ड्यूटी है तो मैं आ नहीं पाऊंगा, उन्होंने कहा जी आपको हम छूट देते हैं, आप एक काम करना, सीएम साहब की हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर देना। तो मैंने कहा चलो ये तो मैं करवाता हूँ उनसे, मैंने सीएम साहब को कहा। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सीकरी साहब का मन है कि 5 मिनट के लिए वो आपको ऑनलाइन देंगे तो आप बोलना, सबको बधाई देना। वो कहने लगे आपने, उनको पता था इस कार्यक्रम में मैंने जाना है। उन्होंने कहा राव साहब भी आ रहे हैं, स्वामी धर्मदेव जी भी आ रहे हैं, आप उस कार्यक्रम में जरूर जाओ। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश हूँ। कहने जैसे मर्जी आप आओ, सुबह चंडीगढ़ आना और शाम को गुड़गांव में रहना है। उन्होंने अपनी भी मीटिंग रख दी आज की सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए कि आपने सीकरी साहब का कार्यक्रम मिस नहीं करना। और सीकरी साहब समाज के लिए, खाली मैं ये नहीं कहता पंजाबी बरादरी के लिए, वो चलो आपने अपना संगठन बना रखा है, 36 बरादरी के अंदर सेवा के काम, अभी आपने धर्म का काम भी पकड़ा हुआ है। कितने आप वो करा दिए आपने, हनुमान चालीसा 1.5 लाख 3 लाख करवा दिए। तो आप निरंतर काम में लगे रहो, परमात्मा आपकी शक्ति इसी तरीके से बनाए रखे, इसी तरह समाज को एकजुट करते रहें। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने बड़ों का मान सम्मान करना ना छोड़े। आज पैसे की होड़ हो चुकी, हम बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बड़ों का, माता पिता का, अपने बुजुर्गों का उसी तरह सम्मान करें, क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत ना की होती, उन्होंने संघर्ष ना किया होता तो आज हम कुछ भी प्राप्त ना कर पाते। ये सब उनकी कृपा से है। और जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 7 तारीख की जन्माष्टमी है, आप 2 दिन पहले पूर्व मना रहे हैं, और भगवान कृष्ण की धरती के तो हम रहने वाले हैं। जैसा राव साहब ने कहा, हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गलत करने वालों को सजा दी, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों नहीं था, मामा का भी अगर उसने गलत करा तो उसका भी वध किया, मामा कंस का गलत करने वाला था। इसलिए ठीक और गलत में हमेशा सही को चुनना चाहिए। कई बार ये होता ना, साडा भिरा है, चलो कोई नहीं, गलती थी गई तो ठीक है, नहीं भाई, गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। इसी के ऊपर अपने धर्म आचरण के ऊपर चलना है। अगर हम महापुरुषों को मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने चाहिए। सदा सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे गलत करने वाला हमारा खुद का परिवार का सदस्य क्यों ना हो। इस रास्ते पर हम चलते हुए हम अपने बच्चों को और अच्छे आगे से बढ़ाएंगे, और पूरे समाज के साथ जोड़कर इसकी देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान देंगे। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये बात मैंने नहीं कही, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है कि जो कौम अपने महापुरुषों के इतिहास को भूल जाती है वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। आपको याद रखना चाहिए कि सन 47 के अंदर हमारे साथ क्या हुआ। आज भेष बदलकर इस देश का बंटवारा करने के वाले लोग आज देश जोड़ों की बात करते हुए, भारत जोड़ों की बात करते हुए बात करते हैं, जिन्होंने इस देश को तोड़ा था। और हम सुनते हुए कहते थे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आजादी में, लेकिन उनकी महामंडित करने वाले लोग क्या कहते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल, क्या बोलते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल। 10 लाख लोग, और जिसमें अधिकतर हमारे बुजुर्ग थे, जो अपनी जानें देकर जब देश आजाद हुआ, इतने खून बहे, कितनी बेटियों के साथ गलत हुआ, कितनी बेटियों को, बहनों को अपने हाथों से हमारे बुजुर्गों ने मार दिया कि गलत हाथों में ना जाए। और वो कहते हैं कि बिना खड़क बिना ढाल, बिना खड़क बिना ढाल आजादी नहीं मिली। इस आजादी की कीमत को समझो। और जो कारण थे देश का बंटवारा करने वाले, वो कारण फिर दोबारा खड़े हो रहे हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एहसास दिलाना चाहता हूं वो ताकतें दोबारा भी उठ रही हैं, वो दिन दोबारा हमें ना देखना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को भी अपने इतिहास के बारे में बताते रहना कि हमारे साथ क्या हुआ था। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हम सब बड़े ध्यान से स्वामी धर्मदेव जी जो विचार देकर जाएंगे वो सदा समाज के लिए काम करते हैं। और एक बार मैं फिर, बोधराज सीकरी जी पता नहीं कहां चले गए, पीछे खड़े हैं, अच्छा मैं बधाई देता हूं
कि आप इतना बड़ा समूह और इतना बड़ा आपने एक समाज को एक रूप दिया है, सबको इकट्ठा किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, और मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेष रूप से राव साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो आज आशीर्वाद हमारे समाज को और बच्चों को प्यार दिया है, मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।